Assalamu alaikum students. In this video I'm going to solve the numericals of 2017 first year physics. ठीक है जी. अच्छा जी, अगर first numerical की बात करें तो first numerical हमारे पास जो है ये रहा. अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये numerical जो है हमसे कुछ इस तरीके से कहता है कि if a is this and b is this, दो vectors हैं, और फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए भी हमें मालूम करना है. तो आए जरा देखते हैं किस तरीके से मालूम करते हैं. तो अब अगर हम इसमें देखें तो अगर सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल को मैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी को मैं ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लूँगा. चार हेडिंग्स बना लीजिए, डेटा रिक्वायर्ड, फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन. ठीक है, तो अब अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि दो वेक्टर्स हैं. अच्छा, दोनों वेक्टर्स में वेक्टर ए जो है वो गिवन दिया गया है 2i-6j-3k, और जो वेक्टर बी है वो गिवन दिया गया है 4i+3j-k. अच्छा, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर का सिंबल ये होता है. अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन के हवाले से बात की जा रही है. परपेंडिकुलर टू द प्लेन के लिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा. तो अब हम करेंगे क्या, हम इन दोनों वेक्टर्स का असल में एक निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और उसी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, और ये न्यूमेरिकल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा. अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आए जरा सबसे पहले इसको देखें. अब देखें, सबसे पहले हमें जो मेन काम करना है वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो मैं सबसे पहले इनका ए क्रॉस बी निकाल देता हूँ. अच्छा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, और डिटर्मिनेंट बनाने का तरीका होता है कि आप पहले लिखते हैं आई जे और के, फिर आप लिखें ए के कोऑर्डिनेट्स, और फिर आप लिखें बी के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो अब अगर ए के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ए कोऑर्डिनेट्स हैं 2-6-3, और जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4-3-1. अब इन्हें ओपन करने के लिए मैं एक रूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉसर्स मेथड. अब किस तरीके से यूज़ करेंगे, सबसे पहले करेंगे आप यहाँ पे आई लिखें. ठीक है, ब्रैकेट लगा दें, प्लस जे लिख के ब्रैकेट लगा दें, प्लस के लिख के ब्रैकेट लगा दें. ठीक है, इसमें मसला तो नहीं है. अब करना कुछ इस तरीके से है कि आप ये जो रॉज हैं इनको लिखना शुरू करें. आई जे को छोड़ दें, पहले ये काम रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं. पहले आप इस पहली रॉ को लिखें जो क्या है 2-6-3. दोबारा से रिपीट करें 2-6-3. ठीक है, इसके नीचे दूसरी रॉ लिखें 4-3-1. दोबारा से रिपीट करें 4-3-1. अच्छा, जिस तरह आप अब करेंगे ये पहली और आखिरी कॉलम को जो है डिलीट कर दें, बस अभी नंबर्स बच गए हमारे पास. अब इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं. जिस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं, फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल. चलिए देखते हैं, और उसको आप लिखते जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 6 1 6. ठीक है, माइनस और माइनस ये भी प्लस होगा, 3 3 9. ठीक है, अब देखें माइनस और प्लस, माइनस 3 4 12. माइनस फॉर्मूले का और इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस, 1 2 2, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24. आई बात समझ में, पता हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व. अब इसमें इसको ऐड करें और आपके पास सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएगा. तो आपके पास जो ए क्रॉस बी है वो बिल्कुल इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, अब ए क्रॉस बी तो आ गया, अब खाली इसका मैग्नीट्यूड निकालना. तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप करेंगे, आप अंडर रूट लगाएं फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस के साथ, उसके बाद थर्ड नंबर का स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो आंसर्स आएंगे वो लिख दीजिए. आंसर आ गया 35. उस न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा. अब फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. ए क्रॉस बी क्या था जी, 15i-10j+30k, और उसका मैग्नीट्यूड क्या लिखा था यहाँ पे, 35. बस ये आ जाएगा आपका आंसर. चाहे तो एलसीएम ब्रेक करके लिखें, ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्लियर होती है सारी बात है. तो इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है वो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये वाला.
Next numerical is the ratio of acceleration due to gravity inside a deep mine, depth given. On the surface of Earth is 0.99. Find the depth of the mine, assuming that the Earth density is uniform, and take the radius of Earth as this. ठीक है? अच्छा, अब इस question में वैसे मैं directly इसको solve करने की तरफ आ रहा हूँ. इस question में जो आपको condition given है वो ये है कि सबसे पहले जो gravity है depth पे to the gravity of Earth. सही लिखा? To the gravity of depth. टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ ये लिखा हुआ है बराबर है 0.99 ये रेशो हमें गिवन है तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटी ऑफ डेप्थ जो है वो बराबर है 0.99 टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ के क्लियर है जी अच्छा इसमें रेडियस ऑफ अर्थ हमें जो है गिवन दिया गया है और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है जी वो है 6.38 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर्स और हमें जो है वो डेप्थ निकालनी है अच्छा ये जो डी है ये सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ छोटा सा इस तरीके से लिखा हुआ क्लियर है अब बहुत आसान न्यूमेरिकल हो जाएगा ये आपको सिर्फ डेप्थ का फॉर्मूला जो इनकॉर्पोरेट करना है डेप्थ का फॉर्मूला हमारे पास होता था ग्रेविटी ऑफ डेप्थ इज इक्वल्स टू 1 - d / re होल मल्टीप्लाई बाय जी अब देखें ग्रेविटी ऑफ डेप्थ की जगह मैं ये वाली कंडीशन लगा देता हूँ जो कि बन जाएगी 0.99 ऑफ जी इक्वल्स टू 1 - d / re होल मल्टीप्लाई बाय जी जी से जी कैंसिल और ये बन जाएगा 0.99 इज इक्वल्स टू 1 - d / re इसको उधर ले जाएं इसको उधर ले आए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा कि d / re इज इक्वल्स टू 1 - 0.99 डी को निकालना है 1 - 0.99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आर ई से आर ई की वैल्यू मुझे पता है ये मैं पता था आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी डेप्थ विच विल बी ऑल्सो इन मीटर्स तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अब जो न्यूमेरिकल है उसमें ये क्या हॉर्स पुल्स अ कार्ट हॉरिजॉन्टली विद अ फोर्स ऑफ 60 पाउंड्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल मूव्स अलोंग एट अ स्पीड ऑफ 8 माइल्स पर आवर हाउ मच द वर्क डज द हॉर्स इन 15 मिनट्स एंड वॉट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स गिव योर आंसर इन हॉर्स पावर अब ये कुछ कन्वर्जेंस गिवन है ना मुझे यहाँ पर आए जरा इसको देखते हैं कि भाई सॉल्व किस तरह से होगा ये मैं अब सबसे पहली चीज़ जो भी इसमें गिवन है मुझे वो ये है कि आपके पास फोर्स गिवन है अच्छा ये सिस्टम जो है ये FPS सिस्टम है फोर्स है 60 पाउंड्स ठीक है एंगल हमें गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री और जो स्पीड है वेलोसिटी है वो गिवन है 8 माइल्स पर आवर अब सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एक कन्वर्जन याद कर लें माइल्स को अगर आपको फिट में कन्वर्ट करना है कि हमें फिट पाउंड में चाहिए जिस तरह से किलोमीटर को मीटर में करते थे इस तरह FPS सिस्टम में माइल्स को फिट में करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 to 5 to 80 से और आवर्स की नहीं तो वही है तो अब जब आप इसको करेंगे तो ये आंसर जो है कुछ इस तरह बन जाएगा ये बन जाएगा 11.7 फिट पर सेकंड के पास अब ये यूनिट जो है सही हो गया इसके लिहाज से अब हमें इसमें एक और चीज़ भी गिवन है जी टाइम और टाइम हमें गिवन है 15 मिनट्स तो 60 से मल्टीप्लाई करना रह गया सर उसको 15 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लीजिए तो ये सेकंड्स में आ जाएगा विच इज़ 900 सेकंड्स अब आपको दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपको निकालनी है वो है इसके अंदर वर्क और फिर आपको निकालनी है पावर लेकिन इसमें हॉर्स पावर में अब वो 746 वाला तरीका यहाँ पे काम नहीं करेगा मैं इसको किसी और तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा खैर आए ज़रा देखते हैं इसको काम किस तरह से करता है अब देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क निकाल लेता हूँ अब वर्क निकालने के लिए मैं एक सिंपल सा काम ये कर लेता हूँ कि पावर बराबर हो जाती है F डॉट V होता है ओपन करके लेते तो बन जाएगा FV cos थीटा के क्लियर अब पावर निकालने के लिए फोर्स कितनी गिवन है 60 ये कितना गिवन था 11.7 और cos एंगल आ जाएगा कितना 30 डिग्री तो पहले तो भाई यहाँ से बहुत आसानी से मुझे पावर मिल जाएगी तो सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा 607.9 अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा पावर होती है असल में वर्क अपॉन टाइम वर्क होता है न्यूटन इंटू मीटर लेकिन हम यहाँ पे फोर्स की जगह न्यूटन की जगह पे आ जाएगा पाउंड मीटर की जगह पे आ जाएगा फिट और अपॉन बन जाएगा सेकंड
लेकिन हमें तो हॉर्स पावर में चाहिए. आप देखिए फिट पाउंड पर सेकेंड को हॉर्स पावर में लेके जाना, तो एक कन्वर्जन होती है. अगर आपको इसी पावर को उसमें कन्वर्ट करना है तो जो नंबर आपके पास आया है आप उसे डिवाइड कर दें 550 से. 746 से उसमें करते थे, यहाँ पे 550 से कर दें. तो अगर मैं इस नंबर को 550 से डिवाइड करूँ तो ये बन जाएगा 1.10 हॉर्स पावर. ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कन्वर्जन परफॉर्म हो जाएगी. अब जहाँ तक रही वर्क निकालने वाली बात, तो अब देखें ये तो एक्सेप्शनल है, तो अलग से पूछा था मैं इस पावर को यूज़ करूँगा. वर्क की नहीं है, इसको पावर कर देते हैं. वर्क की नहीं है, हम सॉल्व करते हैं इसको. पावर बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम के, तो वर्क बराबर हो जाएगा पावर इनटू टाइम के. पावर आई थी 607.9 और टाइम हमें गिवन था 900, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास सिंपल सा वर्क आ जाएगा, उसका यूनिट बन जाएगा जूल्स. तो इस तरीके से बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है. अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूटन रिंग से बिलोंग करता है. रेडियस ऑफ द फिफ्थ डार्क न्यूटन रिंग इज दिस. व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ इज दिस इज यूज्ड, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर सरफेस. आइए जरा देखते हैं. अब न्यूटन रिंग के हवाले से बात की जा रही है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग न्यूमेरिकल होता है इसमें, तो मसले वाली बात नहीं है. नंबर ऑफ रिंग जो है जी वो फिफ्थ है, डार्क रिंग है. अच्छा, रेडियस ऑफ डार्क रिंग जो है वो गिवन है 3 मिलीमीटर्स. मिली को मैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता हूँ किस में, -3 में. लाइट की जो वेवलेंथ है वो गिवन है 5.89 एक्सपोनेंशियल -7 meters, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो मालूम करना है. ठीक है, अब जो रिंग की कहानी है वो अगर इस तरीके से सॉल्व हमारे पास की जाएगी कि आपको डार्क रिंग का सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में लाना है. डार्क रिंग का फॉर्मूला होता है ये एन लैम्डा आर. जो चीज़ मालूम करनी है वो रूट के अंदर है, तो स्क्वायरिंग कर लीजिए बोथ साइड्स. ये बन जाएगा डार्क रिंग के रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा आर. आर निकालेंगे तो ये बन जाएगा डार्क रिंग के रेडियस का स्क्वायर अपॉन एन लैम्डा. बस सिर्फ फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा मीटर्स में, और कुछ भी नहीं करना आपको. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सारी वैल्यूज ऊपर गिवन है. तो इस तरीके से बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है. अच्छा जी, अब जो न्यूमेरिकल है ये वाला, अ बॉय स्टैंडिंग 12 मीटर्स फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बैरली रीच द रूफ ऑफ 10 मीटर्स अबव हिम व्हेन ही थ्रोज अ बॉल एट एन ऑप्टिमम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉल. अब इसमें हो कुछ इस तरीके से रहा है कि लेट सपोज एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पर एक बॉल फेंकी गई है. यहाँ से ये बॉल है तो ये एक प्रोजेक्टाइल केस बन गया. ये प्रोजेक्टाइल केस जो है बन गया. अच्छा, थ्रो का केस है तो यहाँ पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. ठीक है, अच्छा अब हमसे कहा ही जा रहा है कि जो बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वो हमें गिवन है 12 मीटर्स, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमें गिवन है कितनी, 10 मीटर्स. ठीक है, अच्छा अब हमें निकालने हैं यहाँ के इनिशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट. तो मैं डेटा बना देता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल वाला भी और वर्टिकल वाला भी. लेकिन जो थ्रो की वजह से फाइनल को जीरो ले लेंगे, ए बराबर हो जाएगा जी के, और जी की वैल्यू हो जाएगी -9.8 meters per second का स्क्वायर. हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस गिवन है वो इतना है और जो हाइट है वो इतनी है. ये बुक का ही न्यूमेरिकल है हमारे पास फर्स्ट ईयर की. अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है जरा देखते हैं. सबसे पहले आप एक काम करें, सबसे पहले आप वाई कॉम्पोनेंट निकालना शुरू करें, इनिशियल वाई, क्योंकि ये आसानी से आ जाएगा. अब इसको करने के लिए मैं इक्वेशन अप्लाई कर लेता हूँ. फर्स्ट इक्वेशन वी वाई इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई प्लस माइनस जी टी. अब देखें वी वाई तो जीरो हो जाएगा क्योंकि थ्रो में फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले लेता हूँ. ठीक है, बचा क्या, जीरो इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई और जी टी. अब देखें अगेंस्ट द ग्रेविटी जाए तो उसको आप माइनस लगा लीजिए बस. अच्छा एक बात याद रखें, अगर आपने फॉर्मूले में एक बार माइनस लगा दिया तो फिर जी को नेगेटिव मत पुट कीजिएगा, पॉजिटिव ही पुट कीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस के दो बार लगाएंगे तो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा. आप इसको दल लें तो बन जाएगा जी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वाई. आप यहाँ से सॉल्व कर लें, टाइम जो सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा, जो कि बराबर है किसके, जी टी के. अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज जरा देखते हैं इसको. तो इस तरीके से होगा, लेकिन ये मसला ही है इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें टाइम चाहिए और यहाँ पे टाइम हमें गिवन नहीं है. तो अगर ये न्यूमेरिकल टाइम के वाले से आता हो तो आप इसको यूँ सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर टाइम गिवन ना हो तो फिर क्या करेंगे. अब मैं जो हूँ उसको बगैर टाइम की इक्वेशन के सॉल्व करता हूँ. तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन लगा दें 2GH इज इक्वल्स टू वी वाई का स्क्वायर
माइनस वी नॉट वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें बगैर टाइम के भी सॉल्व हो जाएगा। अगर टाइम के हवाले से होता था पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करते। अब देखें यहाँ पे जो वी वाई है उसको जीरो कर देंगे, मतलब न्यूमेरिकल ख़त्म। ग्रेविटी को नेगेटिव ले लीजिए और ये बन जाएगा माइनस वी नॉट का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा और वो आंसर होगा 14 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, खैर एक तो ये चीज़ होगी। अब जो रह गया है वो रह गई इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। खैर सबसे पहले एक काम करते हैं, वी नॉट एक्स का जो फॉर्मूला है वो एक ही है, एस इज इक्वल्स टू वी नॉट एक्स इंटू टी। ठीक है, अब देखिए वी नॉट एक्स आपको निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा एस अपॉन टी के। क्लियर है, एस तो हमारे पास सिर्फ टी नहीं है। अब देखिए इस टी को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, अभी याद है मैं थोड़ी देर पहले आपको एक इक्वेशन बनवाई थी मैंने, अब ज़रा उसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। सिंस वी नॉट वाई इज इक्वल्स टू जी टी बनवाया था मैंने, टी निकालने यहाँ से तो बन जाएगा वी नॉट वाई अपॉन जी। तो वी नॉट वाई है ये और ये है ये, तो सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 14 डिवाइड बाई 9.8, तो ये बन जाएगा 1.42 सेकंड्स। बस पुट कर दीजिए, डिस्टेंस था 12 और ये आ जाएगा 1.42। सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा विच विल बी इन मीटर्स पर सेकंड। तो इस तरीके से ये एक न्यूमेरिकल भी आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के हवाले से बात करें तो वो ये है जिसमें आपके पास एक डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग दिया है, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम बन रहा है, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, एंगल गिवन है, व्हाट इज द ग्रेटिंग एलिमेंट एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर। तो आए जरा देखते हैं इसको। अब डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा जल्दी से हमारे पास। ये ऑर्डर ऑफ ग्रेटिंग, ऑर्डर को एम से लिखते हैं, थर्ड गिवन है, वेवलेंथ जो है वो गिवन है 7 exponential - 7 मीटर्स, एंगल हमें गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, ग्रेटिंग जो डी से लिखते हैं वो मालूम करनी है, और ग्रेटिंग और नंबर ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर ही मालूम करना है। इसका मतलब आपको डी के साथ साथ 1/dB निकालना है, लेकिन इसका यूनिट जो है वो होना चाहिए बेसिकली क्या, लाइंस अपॉन मिलीमीटर, ये यूनिट इस 1/dB का होना चाहिए। खैर इसमें कोई भी एक्सरे वगैरह का जिक्र नहीं है, तो फॉर्मूला जो अगर आप यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा एम लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन ऑफ थीटा, तो d बराबर हो जाएगा m lambda upon sin theta के। तो अब खाली वैल्यूज़ में पुट करके इसका आंसर निकाल देता हूँ, ये है जी आंसर, यूनिट होगा इसका मीटर अपॉन लाइंस, लेकिन हमें तो लाइंस अपॉन मीटर भी चाहिए। सबसे पहले काम करें, इस मीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दें, तो करने का तरीका होता है मल्टीप्लाई बाय 1000 करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें। तो अगर आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो ये बन जाएगा 4.2 exponential - 3 मिलीमीटर अपॉन लाइंस। अब देखें इसका इन्वर्स करना है, यानी कि 1/dB निकालना है, तो आपको इसको पलटना पड़ेगा। पलटने के लिए सिर्फ एक काम करना है, कैलकुलेटर में बटन होता है x माइनस वन का, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये बटन जो है वो इस जगह पे गिवन है, तो अगर मैं इसको प्रेस करके इज इक्वल्स टू करूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक आंसर आ जाएगा जो हो जाएगा 538.09, वो बराबर होगा मिलीमीटर अपॉन लाइंस के। तो ये ग्रेटिंग एलिमेंट का रिवर्स भी आपके सामने बहुत आसानी से आ जाएगा, तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो सकता है। अब जो है इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स और रह गए हैं। अ लेंस ऑफ 2 centimeter फोकल लेंथ इज टू बी यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस एंड व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें दो हिस्से पूछे हैं, सबसे पहले तो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का जिक्र है, और मैग्नीफाइंग ग्लास की जो फोकल लेंथ हमें गिवन है वो गिवन है जी कितनी, 2 centimeter। तो मैग्नीफाइंग ग्लास की जो फोकल लेंथ गिवन है वो है 2 centimeter। अच्छा आपको एक बात याद दिलाऊं, मैग्नीफाइंग ग्लास में जब भी इमेज को बनाया जाता था वो इमेज हमेशा लीस्ट डिस्टिंग्विशन में बनती है, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं फाइनल इमेज हमेशा लीस्ट डिस्टिंग्विशन में बनती है। तो फाइनल इमेज बनेगी डी पर, डी होता है 25 centimeter। दिस इमेज इज कंसिडर्ड टू बी वर्चुअल, देयरफॉर आई इनकॉर्पोरेटेड माइनस विद इट। ठीक है, अच्छा आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है, वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस, और साथ साथ निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर। अब सबसे पहले मैं काम करता हूँ मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर निकालना आसान है यहाँ पे, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इस फॉर्मूले से निकलती है।
वन प्लस। अच्छा एक गलती जो बच्चे करते हैं, जब वो उस फॉर्मूले को पुट करते हैं तो अक्सर डी को माइनस में रख देते हैं। देखें इस फॉर्मूले को ड्राइव करते वक्त हमने जो लेंस इक्वेशन बनाई थी उसमें डी को माइनस में रख दिया था, तो उसमें बार बार डी को माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 25 रख दें और एफ की जगह 2 रख दें तो सॉल्व करके आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन का यूनिट नहीं होता तो कुछ नहीं लिखेंगे आप। लेकिन आप जो पी निकालना है, उस पी निकालने के लिए आपको ये लेंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, बस ख़त्म। एफ की जगह पे 2 लिख दें, पी निकालना है, क्यू की जगह पे माइनस आएगा और आ जाएगा 25। इसको उधर फेंक दें तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 1/25। अब देखिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अभी इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आए जरा सीख इसका कैलकुलेटर चलाना सीखते हैं। तो ये देखें, आप देखें मैंने करा क्या, 1/2 प्लस 1/25 वैसे लिख दिया जो था यहाँ पे। उसके बाद वही एक्स इनवर्स वाली कहानी मैंने करी बस। तो सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा विच इज़ 1.85। ऑटोमेटिकली पी का आंसर आ जाएगा जो कितना होगा 1.85 और यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये न्यूमेरिकल भी आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। सो द लास्ट न्यूमेरिकल इज 100 centimeter लॉन्ग स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप्स एट दिस, द लीनियर डेंसिटी इज गिवन एज दिस, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा ये भी बहुत आसान सवाल है जो कि हमारे पास बिलोंग करता है सबसे बड़े चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 से। इस क्वेश्चन में जिक्र कुछ तरीके का है, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें गिवन है कितनी 100 centimeters, नंबर ऑफ लूप्स जो कि n होते हैं कितने गिवन है 4 लूप्स। अच्छा 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है, 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी यानी कि f4 जो गिवन है कितनी 50 hertz। लीनियर डेंसिटी हमारे पास गिवन है, इसको हम म्यू से लिखते हैं जो कि है 4 exponential minus 4, यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर। अब सारा मसला इसके यूनिट को बचाने में। अब सबसे पहले करें क्या, मैं आपके सामने इस यूनिट को ज़रा फैला के लिख देता हूँ। अब देखें बड़े इत्मीनान से इस बात को समझिएगा कि ये नॉर्मल है लेकिन मैथमेटिक्स लीक होने की वजह से बच्चों की इसे मसला आता है। इस नंबर को सबसे पहले तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, या समझ गए होंगे ग्राम को किलोग्राम में कर दिया। लेकिन जब भी हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो असल में होता क्या, जब भी आप किसी नंबर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड बाय 100 करते हैं। लेकिन आप देखें सेंटीमीटर से डिवाइड में, तो ये डिवाइड में एक और डिवाइड आएगा तो ये पलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 4 exponential minus 4/1000 × 100। 20 से 20 चलेगा, बस इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें तो ये जो है आपके पास बन जाएगा 4 exponential minus 5, यूनिट बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर। ठीक है बस, अब टेंशन निकालनी थी जी हमें इसमें, ऐसी था। अब होगा ये कि टेंशन का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा जाता है, F इज इक्वल्स टू 1/2L√T/μ। ये है जी फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये जो फॉर्मूला होता है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, और हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की गिवन नहीं है बल्कि 4 लूप्स की फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले एक काम करते हैं, F4 = 4F1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये होता है N = nF1, तो 4 था तो 4 लिख दिया, तो F1 बराबर हो जाएगा F4/4 के, तो 50/4। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं 50 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये बन जाएगा 12.5 hertz, बस ख़त्म न्यूमेरिकल। अब देखें आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ करना है दोबारा से, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, जो चीज़ मालूम पड़नी है वो रूट के अंदर है, तो ये बन जाएगा F1 square = 1/4L²/T/μ। टी निकालेंगे तो ये बन जाएगा F1 square × 4L²/μ। ठीक है बस, अब आपको सिर्फ अपने फॉर्मूले से इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। टेंशन एक तरह की फोर्स है तो यूनिट बन जाएगा न्यूटन। सो इस तरीके से आपके पास ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है मैंने सॉल्व कर लिया आज। तो इस तरीके से 2017 के जितने भी पास पेपर के न्यूमेरिकल्स थे उन सबका सोल्यूशन मैंने आज किया। थैंक यू वेरी मच।